मुंबई के गोरेगांव इलाके में किन्नर की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की इस वारदात को गोरेगांव पश्चिम स्थित शास्त्री नगर लिंक रोड पर अंजाम दिया गया। कैफे सदर के सामने हुई किन्नर की हत्या से पूरे इलाके में बवाल सा है। मृतक किन्नर का नाम सुरेश मस्तूद उर्फ सूर्या बताया जा रहा है। हत्या की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची बांगुर नगर पुलिस ने पंचनामा के बाद मृतक किन्नर की लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। संत बांगुर नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शोभा पीसे की यदि माने तो किन्नर की हत्या के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है इसकी वजह, जिसे देर रात तकरीबन 3 बजे के आसपास अंजाम दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक हत्या की इस वारदात को अंजाम 3 लोगों ने मिलकर दिया है। धारदार चाकू से सूर्या किन्नर पर कई बार हमले किए गए, जिसमें बुरी तरह से घायल किन्नर की मौके पर ही मौत हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर बांगुर नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से कोसों दूर है। बांगुर नगर पुलिस थाने के एरिया में लिंक रोड कैफे सदर होटल के सामने एक तृतीयपंथी सुरेश उर्फ सूर्या, उनका यहाँ पे किसी अननोन पर्सन ने हथियार मार के, चाकू मार के मर्डर किया है। वो तो मर्डर कैसे हो गया, किसने किया, ये हम जांच कर रहे हैं। इसमें कितने आरोपी का नाम अब तक सामने आया है, कितने लोगों का? अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया, इनका इन्वेस्टिगेशन चालू है। कितने लोग थे, कुछ पता चला? 2 या 3 बोले, पब्लिक बोले, या 2 या 3 लोग है, चल रही इंक्वायरी चल रही। बांगू